हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यार महापुरुषों को प्यार भरी धन निरंकार। और सुनाइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे, और बढ़िया होने भी चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी मेमोरी नहीं कहूँगी, बहुत ही प्यारी वीडियो जो कि अभी लेटेस्ट ही है। मैं अपनी फ्रेंड की मैरिज में गई थी, मैंने आपको बताया भी था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो ये वहीं की है फ्रेंड्स, जो शादी से पहले घरों में गीत गाते हैं लेडीज़, ये वो वीडियो है फ्रेंड्स। ये मेरी भाभी नाच रही है और वो ब्लैक सूट में मेरी भतीजी है। ये तो सहारनपुर साइड के हैं जिनकी मैरिज है, और जो मेरी भाभी है वो पंजाबी गाने पर नाच रही है। तो आप भी सुनिए और इन्जॉय कीजिए। ये पूरी शादी तक की वीडियो है जिसमें लेडी संगीत भी है, मैरिज भी है और विदाई भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी देखिए और इंजॉय करिए। और फ्रेंड्स, ये एक दिन पहले लेडी संगीत की वीडियो है, उससे पहले मैंने आपको दिखाई थी जो लोकगीत गाते हैं घरों में, वो वीडियो थी। और ये भी मेरी भतीजी ही लगती है जो मेरे घर कार्ड देने आई थी। मेरी फ्रेंड भी लगती है, भाभी भी लगती है, उनकी बेटी है परी। और ये दोनों माँ बेटी नाच रही हैं डीजे पे। मैंने सिर्फ वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम किया हुआ है और स्पीड भी बढ़ा दी है कि कहीं की कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। तो ये मेरी फ्रेंड भी और भाभी भी, मैंने आपको बताया, तो नाच रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नाचती है इनकी बेटी भी। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया तो आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है। और आगे मैं लेके चलती हूँ आपको मैरिज में, तो चलो। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यार महापुरुषों को प्यार भरी धन निरंकार। और सुनिए, आप लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए फ्रेंड्स। और मैं और मेरी भतीजी हो चुके हैं तैयार, हम जा रहे हैं शादी में। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे शादी में और आपको भी शादी का फंक्शन इंजॉय करवाती हूँ। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं मैरिज में।
और ये फ्रेंड्स शादी में जाने से पहले और कुछ शादी का फोटोशूट है जिसमें मेरे मम्मी थे पहले, और ये मेरी सिस्टर है मेरे साथ में, और ये मेरी फ़ोटो है। इसमें कुछ फ़ोटो हमने शादी में खींची हुई है और कुछ घर पर, और यहाँ पर ये मेरी भतीजी है, आप देख सकते हो सभी तैयार हैं। और ये घर की फ़ोटो है मम्मी के, और ये शादी में है भतीजी की फ़ोटो। यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोएँ खींची थी, और साथ में ये मेरी भाभी है, और आगे मेरी फ़ोटो है जो कि फ्रेंच फ्राइज़ खा रही हूँ तो मेरी भतीजी ने खींची थी, और ये फ़ोटो है जो घर की है रमन और मेरी। और इसके बाद हम निकल पड़े थे जाने के लिए शादी में, रात का टाइम था, रात की मैरिज थी आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं शादी में, मम्मी हैं और मुझे देख रहे हैं, मम्मी मैं मेरी भतीजी आ रहे हैं, मेरे भाभी हैं, जशन रमन सारे हम साथ में ही हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं मैरिज में, जहाँ पर उन्होंने मैरिज की थी वहाँ पर उस जगह पे। तो आप भी चलिए मेरे साथ अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी बैठ चुके हैं, और ये है मेरी भाभी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी मम्मी है तो हम इन्हें भाभी बोलते हैं। और ये मेरी मम्मी को इन्होंने अपनी सास बना रखा है, पहले मम्मी के वहीं पे रहते थे, अब ये वहाँ से छोड़कर चले गए हैं कभी, तो ऐसे इतना मिलना नहीं होता है, शादी वगैरह में मिलना होता है तो फिर वो बहुत सी बातें होती हैं आपको पता ही है, तो बस फिर बातों का दौर शुरू हो चुका था, और साथ में खाने पीने का भी। और ये इनकी छोटी बेटी है, इसकी भी शादी आने वाली है तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी जब भी होगी। और तो बस यहाँ पर बातें शुरू हो रखी थी और सब हो गए थे मस्त, और ये सिमरन को कुछ दिखा रही थी मोबाइल में फ़ोटो आई थिंक अपने हस्बैंड की, और ये इनका बेटा है भाभी का, और ये मेरे को बोल रहा है दीदी आप वीडियो बना रहे हो, तो मैंने कहा हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही नाइस है। और यहाँ पर मम्मी बैठे हैं, जशन और रमन आप देख सकते हो, बड़ी दीदी का वेट कर रहे हैं, वो अभी आए नहीं हैं, हम उनको ही वेट कर रहे थे, वो मोहाली रहते हैं तो अभी आए नहीं थे, वो कह रहे थे हम चले हैं घर से बट पहुँचे नहीं थे। तो बस यहाँ पर खाने का दौर भी शुरू हो रखा है और बातें भी चल रही है, और रमन के फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ है वो अभी नहीं आए थे तो रमन वेट कर रहा था फ्रेंच फ्राइज़ की, आए भी थे बट किसी और टेबल पर आकर चले गए थे, रमन के पास नहीं आए थे अभी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी सिस्टर भी आ गई है, ये हमारी सबसे बड़ी सिस्टर है मेरी, ये आ गई है, और साथ में मेरा भांजा भी है जिसको कि आप पहले भी मिल चुके हो, एक मैरिज में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हम इन्हीं का वेट कर रहे थे। और ये मेरा भांजा है हैरी, और वो उसका फ्रेंड है, ये भी साथ में ही आया था, तो मम्मी बस कह रही है इनको बैठ जाओ क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया था, हमने कहा था आए नहीं, और वो हीना मिल रही है दीदी को, वही ना कि ये काफ़ी टाइम बाद हमें मिलते हैं शादी वगैरह में ही, ये हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ से चले गए, तो हमारा इनसे बहुत प्यार था, तो आपको पता ही है जब इतने दिनों बाद कोई मिले तो बातें ख़त्म नहीं होती, और ये भाभी बहुत ही अच्छे हैं, मम्मी को भी बैठे ही सब कुछ लाकर दे रहे थे, मतलब कितनी रिस्पेक्ट करते, जैसे टिक्की वगैरह तो मम्मी को वहीं से लाकर दे रहे थे कि जैसे उनकी प्रॉपर सास है, तो आप बैठो मैं आपको यहीं पर सब कुछ देती हूँ, तो बहुत ही ये मम्मी की इज्जत करते हैं। और अभी दूल्हा दुल्हन नहीं आए थे, और यहाँ पर बच्चे फोटोशूट कर रहे हैं आप देख सकते हो, और बारात आ चुकी थी अभी बाहर ही थी, और बाकी अंदर आप ही देख ही सकते हो सभी इंजॉय कर रहे हैं।
फ्रेंड्स बस इसके बाद हम चले गए थे घर, स्नैक्स वगैरह खा लिए थे और फिर खाना खाने की कोई भूख नहीं थी। थोड़ा थोड़ा ही खाया था, आधी रोटी खाई थी मैंने मक्की की रोटी साग के साथ, और सिस्टर ने भी, बाकी भाभी ने कुछ नहीं खाया था। और ये मेरी प्यारी सी भाभी आपको दिख ही रही है, एक वो बैठी है और एक ये। तो ठीक है, आगे मैं दिखाती हूँ आपको विदाई, फ्रेंड्स जो विदाई हुई थी। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ विदाई जो कि मॉर्निंग में हुई थी। उससे पहले आप हमारी ब्राइड देख लीजिए, ब्यूटीफुल ब्राइड है हमारी, आप देख सकते हो कितनी सुंदर है। और ये हमारे ग्रूम भी है साथ में, और आगे है विदाई। तो चलो देखते हैं विदाई। और फ्रेंड्स ये मॉर्निंग का टाइम है, इस वक्त सुबह के 6:30-7:15 का टाइम हो रहा है जब विदाई हो रही है। ये जो है इसने भतीजा अपने हाथ में लिया, जो हमारी ब्राइड है इनका, इसका भतीजा है और साथ में ब्रदर खड़ा है, बाकी सभी खड़े हैं, मम्मी है, सिस्टर है। हम यहाँ सीढ़ियों पर खड़े हैं, हमारा घर इनसे 2 घर छोड़कर ही है, और सब इमोशनल हो गए थे। और ये मोमेंट ही ऐसा होता है कि हर कोई इमोशनल हो जाता है, और एक लड़की को अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना बहुत बड़ी बात है, आप समझ ही सकते हो। और ये हमारी इंडिया की रीत भी है। और यहाँ पर ये बाई भी कह रही है और बहुत रो रही थी, सभी कह रहे थे। आजकल ब्राइड बहुत कम रोती है, बट ये इतनी इमोशनल है कि शादी से पहले भी बहुत रो रही थी और शादी वाले दिन तो रो ही रही थी। वो होता है ना कि कभी पेरेंट्स से बच्चे अगर बाहर ना रहे हों तो फिर इमोशनल हो ही जाते हैं, और ये तो मोमेंट ही ऐसा है, एक घर से दूसरे घर जाना तो बहुत बड़ी बात है। और आपको इसकी आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी रोते हुए की। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे प्यार धन्यवाद। हंसते रहो, बढ़ते रहो, सब कुछ को अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपनी तो रौनक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताना आपको कैसे पढ़ाई बड़ी सही लगा और कैसे मेरी धन्यवाद।